अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अनुषा, आई होप यू ऑल आर वेल। सो आप देख रहे हैं कुकिंग विद शेफ अनुषा यूट्यूब चैनल। आज हमारी किचन में रमजान स्पेशल ने बन रहे हैं पिज्जा कटलेट, बहुत ही मजे के चीजी बनते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। चिकन फिलिंग बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। बोनलेस चिकन मैंने लिया हाफ के जी, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। शिमला मिर्च लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की, जिसे मैंने छोटा बारीक चॉप कर लिया है। पिज्ज़ा सॉस मैंने लिए 5 टेबल स्पून। प्याज मैंने लिए 2 टेबल स्पून, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया 1 टीस्पून। सोया सॉस मैंने लिया 1 टेबल स्पून। ड्राइड थाइम मैंने लिया 1/4 टीस्पून। सिरका मैंने लिया 1 टीस्पून। सॉल्ट लेंगे हसबे जायका, मैंने यहाँ लिया 1 टीस्पून। ड्राइड ऑरिगानो लेंगे 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। ब्लैक ऑलिव्स मैंने लिया है, जिसे मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है 1 टीस्पून। ऑयल लेंगे 2 टेबलस्पून। अब पैन में ऑयल ऐड कर देंगे। उसके पास में चिकन ऐड करेंगे। जब चिकन कलर चेंज कर दे तो इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देखिए कि चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। दो मिनट बाद इसके अंदर पिज्जा सॉस ऐड करेंगे। कर देंगे कैप्सिकम ऐड कर देंगे। फ्लेम अच्छी से खुशबू आ रही है और अब इसमें एंड में फ्लेम ऑफ करके जो हमने चॉप किए थे ऑलिव्स को वो ऐड कर देंगे। आप ग्रीन ऑलिव भी ऐड कर सकती हैं, ब्लैक ऑलिव भी ऐड कर सकती हैं, जो
जो बर्फी आपकी। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके अंदर ऑलिव डाल देंगे। अब हमारी चिकन बनकर रेडी है, हम इसे डिश आउट कर देंगे। अब हमने चिकन की फिलिंग तैयार कर ली है और जो हमने आलू बॉईल किए थे उसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून, आप 2 टेस्ट ले लेगा। ब्लैक पेपर पाउडर मैंने लिया 1 टीस्पून और मोजरेला चीज मैंने ली है जिसे मैंने शेड कर लिया। आलू मैंने लिए 4 अदर जिसे मैंने क्यूब्स में कट करके बॉईल कर लिया था, उसके बाद से मैश कर लिया था। सॉल्ट लेंगे हम 1 टीस्पून, आप हसबे जायका ले लें। ब्लैक पेपर पाउडर मैंने लिया 1 टीस्पून, ये इंग्रेडिएंट्स के अंदर डाल के इसे और मैश करेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। सॉल्ट ऐड कर देंगे, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और इसे मैश कर देंगे। ऑयल को मैंने हैंड पे ग्रीस कर लिया है। अब हम आलू लेंगे, उसे इस तरीके से प्रेस करेंगे। उसके अंदर ये चिकन की फिलिंग करेंगे। मोजरेला चीज ऐड करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा और लेकर तरीके से रखकर फिर राउंड में करके इसका कटलेट बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। सारे कटलेट बनकर तैयार हो गए हैं, अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए हमें दो चीजें चाहिए। ब्रेड क्रम्स मैंने लिए 2 कप, अंडे मैंने लिए 2 अदर जिसे मैंने बीट कर लिया अच्छे तरीके से। अब हम कटलेट्स को सबसे पहले एग में डिप करेंगे। अब एग के अंदर कटलेट्स डिप करके इसे ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। अच्छी तरीके से कोट करेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से कोट हो जाए। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से सारे बना लेंगे। सारे कटलेट्स की कोटिंग हो गई है, अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज कर लेंगे। अब पैन में ऑयल ऐड कर दिया, इसे हाई फ्लेम पे हम गरम कर लेंगे। उसके बाद इसमें कटलेट्स ऐड कर देंगे। ऑयल गरम हो गया, अब इसके अंदर कटलेट्स डाल देंगे। इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे एक साइड से, फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे, फिर दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये देखिए अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। कितना प्यारा कलर आया है, इसकी भी साइड चेंज कर देंगे। अब ये फ्राई हो गए, हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे, अच्छी तरीके से सारे हम फ्राई कर लेंगे। पिज्जा कटलेट्स बनकर तैयार है, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेगा और मुझे कमेंट्स में बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी और आप ये रेसिपी रमजानों में ट्राई करें और इसे फ्रीज करके भी रख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। वो मैं आ जाके अल्लाह हाफिज़।